अभी मैं केरला गया था, मैंने बीफ खाया, कोई बुरी चीज़ मैं नहीं मानता हूँ, दुनिया खाती है, वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं, वंडरफुल। गाय को मैं घोड़ा और कुत्ता से ज़्यादा नहीं मानता हूँ, जानवर है आप में, मगर पगलेटी भरी हुई है, माता 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 पागलों जैसे चिल्ला रहे हैं और पकड़। आप गाय को माता मानते हैं? बताइए, सोचिए कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? ज़रा दिमाग है आपको कि गोबर भरा हुआ है? आप कहते हैं बीफ खाना बुरी चीज़ है, अरे दुनिया बीफ खाती है भाई, अमेरिका खाता है, यूरोप खाता है, अरब कंट्रीज, रशिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थाईलैंड, आपके राम मंदिर बनने से क्या अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा, चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा, फार्मर्स डिस्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा? राम, ये सब इलेक्शन के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है इसीलिए चिल्ला रहे हैं राम मंदिर राम मंदिर। इनफैक्ट आपको मैं बताऊँ, इन द ओरिजिनल रामायण ऑफ वाल्मीकि जो संस्कृत में है, उसमें राम इज़ नॉट अ गॉड, ही इज़ अ ह्यूमन बींग, ही इज़ अ प्रिंस हु लेटर बिकेम अ किंग। वो तो 2000 साल के बाद इन रामचरित मानस ऑफ तुलसीदास ही बिकम्स अ गॉड, ही इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ह्यूमन बींग इन टू अ गॉड। बट इन द ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत और वाल्मीकि ही इज नॉट अ गॉड। आप किसी संस्कृत के स्कॉलर से पूछ लीजिए, तो जब ह्यूमन बींग है तो उसका टेम्पल क्या बना रहे हो? टेम्पल तो देवी देवता का बनाया जाता है, इंसानों को थोड़ी बनाया जाता है। तो मगर लोगों ने पढ़ा नहीं है ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत, तो पढ़ा नहीं है। अरे आप लोग पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, इधर उधर हवा में तीर मार दिया कहीं। आप पढ़ लीजिए ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत, राम इज नॉट अ गॉड एट ऑल, तो उसका मंदिर क्या बना रहे हो जो भाई नहीं भगवान हो? देखिए ये लोकतंत्र यहाँ का फर्जी लोकतंत्र है, कोई लोकतंत्र नहीं। देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है मेजॉरिटी वोट पे, और मेजॉरिटी है कास्टिस्ट और कम्युनल, तो कास्टिस्ट और कम्युनल रूल हम पे हुकूमत करें। देखिए टू मच डेमोक्रेसी इज ऑल्सो बैड, आपके 80-90% ऑफ पीपल आर फुल ऑफ कास्टिज्म कम्युनलिज्म, भरा हुआ है, गोबर भरा है सर में। देखिए आप लोग प्रोफेसर हैं इस यूनिवर्सिटी के, चलिए मैं आपका अभी टेस्ट ले लेता हूँ, बहुत बड़े प्रोफेसर बन के आए हैं ना आप, अभी टेस्ट ले लेता हूँ। आपकी बेटी अगर दलित से शादी करना चाहेगी आप राजी होंगे? कभी नहीं होंगे, मर्डर कर देंगे उसका। दलित लड़का अगर नॉन दलित लड़की चाहे अपर कास्ट चाहे ओबीसी से इश्क करे और शादी करना चाहे, ही इज इनवाइटिंग डेथ सेंटेंस ऑन हिमसेल्फ, मैनी ऑफ देम मर्डर्ड, ऑनर किलिंग हो जाएगी, आपकी प्रोफेसरी सब रह जाएगी जब आपकी लड़की कहेगी दलित सब करके। तो आप ना समझिए कि आप बड़े पीएचडी लिए हुए हैं और कोट और टाई पहने तो बड़े एजुकेट, मैं आपको ज़्यादा एजुकेटेड नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप में भी यही कूड़ा भरा हुआ है कास्टिज्म जातिवाद, सर में गोबर भरा है आपके भी, माफ करिएगा। ये ना कहिए बड़े एजुकेटेड हैं, देखिए एजुकेशन है कि ये टेस्ट ये है, आप में कास्टिज्म भरा है कि नहीं? ट्रूथ इज 95, मैं 100% नहीं कहता, 90-95% आप लोग प्रोफेसर्स के सर में ये भरा है कास्टिज्म, यू विल नॉट पर वो भाग जाए लड़की घर छोड़ के वो अलग बात है, बट आपसे इजाज़त मांगे आप कभी नहीं देंगे, क्योंकि आप नीच मानते हैं दलित को, सच्ची बात है कि नहीं? आज भी 71 साल हो गए हैं आज़ादी के, इवन टुडे यू रिगार्ड दलित एज नीच, ये सच्ची बात है, आपका बड़ा पिछड़ा समाज है, यू आर अ वेरी बैकवर्ड कंट्री। देखिए ऐसा है, आपके मीडिया के जो मालिक हैं, आप तो कर्मचारी होंगे है ना, आप कर्मचारी हैं? तो जो मालिक हैं दे आर बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन गवर्नमेंट को नाराज़ नहीं करना चाहता है, क्योंकि नाराज़ किया तो गवर्नमेंट 20 तरीके से परेशान कर सकती है, इनकम टैक्स नोटिस और पोल्यूशन नोटिस और ये नोटिस वो नोटिस, तो मालिक जो हैं वो नहीं चाहेंगे गवर्नमेंट को परेशान करना, तो चमचागिरी करेंगे गवर्नमेंट की।
तो लिहाजा आपको भी चमचा होना, नहीं तो आपकी नौकरी गई। बहुत बड़े आप सीना तान के आए हैं जर्नलिस्ट, और ज़्यादा आपने बकबक किया तो आपको मालिक निकाल देगा नौकरी से। तो यू डेयर नॉट, आपके भी बीवी बच्चे हैं ना, उनको खिलाना है आपको, क्या खाओगे अगर नौकरी चली गई। ये माफ़ करिएगा, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर अ फ्यू मीडिया पीपल लाइक पी साइनार, जिसने डिस्क्लोज किया था सब फार्मर सोसाइटी का, दो चार हैं, अदरवाइज मोस्टली आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द मीडिया। आप सब बिके हुए हैं भाई, यू आर, क्या हो रहा है टीवी तो मैं देखना मन, आपके गेस्ट हाउस में मैं आया थैंक्स टू डॉक्टर बहुगुना, तो आई हैड अ टीवी इन माई रूम, तो आफ्टर वन ईयर आई हैव सीन टीवी, मैं देखना बंद कर दिया मैंने, क्या नॉनसेंस चल रहा है। एक वो लॉर्ड भाऊभा उनका नाम रखा है मैंने, अब समझ सकते हैं आप कौन है, वो एक लॉर्ड हो थे ना वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नाजीज के लिए ब्रॉडकास्ट करते थे, उन्हीं के नाम पर मैंने लॉर्ड भाऊभा नाम रख दिया उनका, आप समझ सकते हैं किसका मैं इन इशारा किधर है। तो कैसे बिहेव करते हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। अब बीजेपी पावर में आई तो बीजेपी की चमचागिरी तरह तरह, अब बीजेपी अगर माने हार गए इलेक्शन, यही जर्नलिस्ट देखिए जो भी पावर में आएगा उसकी चमचागिरी शुरू कर देंगे। तो भैया थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। मीडिया वालों के लिए मुझे कोई ज़्यादा, एक दो को छोड़ के मुझे कोई इज्जत नहीं है, यू आर ऑल सोल्ड आउट, सो द लेस सेड अबाउट यू द बेटर। अब कोई इशू ही, मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ मीडिया के बारे में, मुझे बहुत दुख होता है, जो मीडिया को करना चाहिए। आप किसी ठग को चुन लीजिए, एक सब ठग बैठे हैं, जो आपको बहुत प्यारा ठग लगे मुझको दे दो वोट, मैं तो नहीं दूंगा क्योंकि मुझे सब ठग लगते हैं, सॉरी आई विल नॉट टेक पार्ट इन दिस नॉनसेंस। आप करिए, हम क्या आपको राय दें, आपको ठग प्यारे हैं, आपको जैसे वो इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ हैं, और आप पीछे पीछे जैसे द रैट फॉलोइंग द पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन, उसके पीछे इंदिरा गांधी को धड़ाधड़ वोट मिल गया, जीत गई। फिर वो मोदी आए, उन्होंने कहा विकास 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 विकास, हाँ भाई विकास ले विकास, तुम्हारी नौकरियां तो चली गई जो थी वो भी चली गई, ये विकास हो गया है। अन्ना हजारे आए ईमानदारी, वो अरविंद केजरीवाल ईमानदारी करके चीफ मिनिस्टर हो गए, ले भैया ईमानदारी। अब हम क्या तुमको समझाएं, जब तुमको अकल नहीं है, यहाँ गोबर भरा है, तो भैया मैं इसका, मेरे पास इलाज नहीं है। अरे ये सब नॉनसेंस, मैंने कहा मैं, मुझे ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भरोसा ही नहीं है, तो नोटा या पोटा इट मीन नथिंग, इट मीन नथिंग, इट इज ऑल कास्ट एंड।